बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी का वही हश्र होगा जो चंद्रबाबू नायडू का हुआ। दीदी की हार स्वीकार करना चाहिए। टीम इंडिया की जर्सी पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भारत का तिरंगा भी भगवा है, इंडियन टीम की जगह भगवा जर्सी, इसमें दिक्कत क्या है? शाहनवाज हुसैन से हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की। पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी, इनसे बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगातार हिंसा कायम है। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी को हराना है तो सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा। राजनीतिक दल कहाँ है? वहां तो दो ही राजनीतिक दल, तो एक ही है जो राजनीतिक दल कहा जा सकता है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी को तो ममता जी ने खत्म कर दिया, कम्युनिस्टों को मार मार के लंबा कर दिया। एक भी कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए नहीं जाता, लोगों को डंडे मार मार कर लंबा करने वाले कम्युनिस्ट खुद लंबे हो गए। वहां दिल्ली में बैठ के ममता जी की पैरवी करते रहते हैं, जमीन पे तो कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, और टीएमसी में भी भगदड़ है। तो दीदी ने हार स्वीकार कर ली है, अब जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए जितना अहंकार उनमें आया, कई बार जब पेड़ में दरख्त में फल लगते हैं तो पेड़ झुक जाता है, लेकिन कई मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत शालीन माने जाते हैं, जैसे नवीन पटनायक जी हमारे दल के नहीं हैं लेकिन उनकी शालीनता की मिसाल दी जाती है, और वहीं बगल में बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, जब हम लोगों के साथ मंत्री थी तो स्वभाव बड़ा अच्छा था, वाजपेयी जी की सरकार में हम मंत्री थी हमारे साथ, लेकिन एकदम बदल गई, अब तो अहंकार में रहती है। तो जिस मुख्यमंत्री ने अहंकार पाला, जनता ने उसको जमींदोज किया। देखिए चंद्रबाबू नायडू का जो हाल हुआ है वही हाल होगा ममता बनर्जी का अगले चुनाव। इसके अलावा अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो लगातार राहुल गांधी के घर पर कार्यकर्ता अनुरोध कर रहे हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें। अनुरोध कर रहे हैं या राहुल जी करवा रहे हैं, ये भी सवाल है। ये कितने देर की प्रक्रिया है? भारतीय जनता पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा कि वो गृह मंत्री हैं, तो अब कोई कार्यकारी अध्यक्ष बने ताकि पार्टी के काम को संभाले। पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा, 5 मिनट में निर्णय हो गया। ये कांग्रेस पार्टी महीनों से ये बात फैला रही है। राहुल जी ने एक त्याग पत्र दिया, फिर कहा वापिस ले लिया, फिर उनके प्रवक्ता सुरजेवाला साहब कह रहे हैं राहुल जी अध्यक्ष थे, हैं, रहेंगे। किस पर यकीन करें? कोई इतनी बड़ी परंपरा क्या बन गई है? अगर राहुल जी को कोई अपना इंडिपेंडेंट अध्यक्ष बनाएंगे क्या? क्या कोई कांग्रेस का ऐसा व्यक्ति बनेगा संगठन के चुनाव से? नहीं बनेगा। खाता न बही जो राहुल जी कहें वही सही, ऐसा ही व्यक्ति बनेगा। अब ऐसी तलाश हो रही है कि 24 कैरेट का कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो राहुल जी के इशारे को समझकर कांग्रेस को चलाए। अब उसमें देखिए कोई बुजुर्ग आदमी तलाशेंगे ये लोग, ऐसी हम लोगों को अपेक्षा है। इसके अलावा अगर भारतीय टीम की बात करें तो अब उनकी जर्सी भगवा होने वाली है। विपक्षी दलों का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो झलकती। अब तिरंगे का रंग तिरंगे में भगवा है तो क्या करें? तिरंगे से भी दिक्कत है किसी को? कांग्रेस पार्टी के समर्थित नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी क्यों अपने झंडे में भगवा रखे हुई है ऊपर में? क्या भगवा रंग भारत का बैरी रंग है? अरे भगवा रंग तो स्वामी विवेकानंद का वस्त्र है। भगवा कल हो के किसी मंदिर में जाए तो कहे नहीं साहब भगवा रंग का टीका नहीं लगना चाहिए। अगर भारतीय टीम भगवा रंग का जर्सी पहन रही है तो किसी को दिक्कत क्या है? जिनको दिक्कत है वो उस दिन मैच ना देखें, जो रंग पसंद हो उस रंग की टीम का मैच देख ले। आखिरी सवाल, आकाश विजयवर्गीय जेल में है, क्या भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? देखिए वहां पर मकान, गरीबों के मकान को टूटने को लेकर एक आंदोलन था, उसमें वो एजिटेट हुए और उसको लेकर ये घटना घटी। कानून अपना काम कर रहा, अब इसको बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शिवराज के साथ ममता चतुर्वेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।